मुश्किल से आपको निभाता है। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा डेमोक्रेटी जन्म है। जिनके खिलाफ कोटा लगा लेकिन करते कुछ नहीं है। ये बातें हम दुकान लेकर आज तक पर नहीं आए, लेकिन आपको ये याद दिलाने आए हैं कि 1947 से अभी 77-78 साल हुए आजादी के, क्या हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर का। एक अफसोस का मुकाम हमको इसी परेशानी में हमारे को लगने आ गया। मोहतरम हाजी मुसद्दिक साहब जो हमारे हाजी मुसद्दिक साहब मेरे उस खुदा ने अच्छा ये एक भी मुलाजिम नहीं लगा सके। आज 5.5 लाख लोग हैं, शाम को आजाद साहब का इंतजार। इसी जगह हमने अपनी पार्टी की मीटिंग की थी, इस दौरान चाहते थे हम कि दूसरी जगह कहीं हो, लेकिन यहां ऑफिसर बहुत माहिर है, वो घुमाते रहते हैं, ये देखो वो देखो वो देखो। और बाद में फिर कई चीजें मेरे साथियों ने कही, गुज़िश्ता 6 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं स्टेट में असेंबली के इंतखाबात को। नई चीजें तो बताई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, ड्रग्स आज के मसले तो ये, बाकी स्टेट में किसने क्या दिया उसकी कैबिनेट में सब दर्ज है। आप आरटीआई निकालो, आपको मालूम पड़ेगा कैबिनेट कब बनी है और क्यों। आजाद साहब, एक साल से ये राजौरी से शुरू हुआ, बीच में एक लल था 4-5 साल का, और मैं कभी कभी कहता भी था, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट की तारीफ करते हो, मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट की जितनी कमियां हैं वो तो ढेर है, पहाड़ है, लेकिन एक दो चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, स्टोन पेंटिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई थी, बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार, बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं, ये चीजें नेगेटिव चीजें हैं सरकार की। लेकिन पिछले एक साल से राजौरी में कई वारदातें हुई और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा कि गाहे बघाए या तो फौज के या पुलिस के लोग मारे जाते हैं, और बीच में ऑफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही थी, तो टारगेट किलिंग से लेकर राजौरी से लेकर ये आज तक जो बीच में किलिंग हो रही है बड़ी तशवीश की बात है। और ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी है और आवाम के लिए भी है। तो मैं इसमें अपील सभी से करूंगा कि अभी तो क्या होता, अभी तो हर 10 दिन में चीजें बैठी बदलती, अभी बहुत दूर है। इतिहाद के बारे में क्या कहेंगे इंडिया का, इतिहाद इंडिया इतिहाद के बारे में क्या कहेंगे, सारी पार्टियां एकजुट हो गई है मोदी के खिलाफ। कहाँ हो गई, मरकज में? हम तो चाहते थे लेकिन है नहीं सर, हजारों तक हो गई, लेकिन पिछले जब से टारगेट किलिंग हो गई है और ये राजौरी की 3-4 वारदातें हुई, कोकरनाग की हुई और अभी बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इक्का दुआ मारा जाता है, तो एक उससे खौफ और डर पैदा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये चैलेंज है आवाम के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए,
इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी, और इसमें सबकी एफर्ट होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी और लोगों की, आवाम की, पुलिस की इस तरह की वारदातें न हो, ताकि एक अमन अमान बहाल हो जाए और इलेक्शन हो जाए। छह महीने में आपका दूसरा बांडीपुरा दौरा है, आपका स्पेशल इंटरेस्ट